देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं मथुरा के थाना फरह के इंस्पेक्टर ने 30 जमाती पर मथुरा में संक्रमण फैलाने के आरोप में FIR दर्ज करवाई है। यह 30 जमाती मूल रूप से शामली के निवासी हैं। आपको बता दें कि यह आरोपी निजामुद्दीन मरकज में हुई तबलीगी जमात में शामिल होने के बाद मथुरा के थाना फरह के ओल गाँव की मस्जिद में छिपे थे। उसी के बाद ओल में कोरोना मरीजों का मिलना शुरू हो गया था। इन जमातियों के ऊपर धारा फरह में धारा 188 और 271 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मथुरा में अभी तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 38 हो चुकी है, जिनमें से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यहां आपको बता दें कि जिले में धीरे धीरे से आंकड़ा बढ़ रहा है। इन पर जमातियों पर आरोप है कि यह लोग निजामुद्दीन में लगी तबलीगी जमात में शामिल होने के बाद यहाँ छुपे हुए थे। इस समय यह जमाती क्वारंटाइन है और बाद में जब इन्हें क्वारंटाइन से छोड़ा जाएगा तो पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए CEO रिफाइनरी वरुण सिंह ने बताया कि थाना फरह में इन जमातियों के खिलाफ 188 और 271 IPC की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और यह जमाती मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली और कैराना के निवासी है। यह जमाती अभी क्वारंटाइन में है और जहां से निकलने के बाद इन पर फरह पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जाएगी। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। ये थाना क्षेत्र फरह जनपद मथुरा की घटना है। थाना क्षेत्र फरह के कस्बा ओल में आए हुए तबलीगी जमात के कुल 30 सदस्यों के विरुद्ध, जो कि मूल रूप से कैराना शामली जिला के रहने वाले थे और जिन लोगों की हिस्ट्री थी कि उन लोगों ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में आए हुए तबलीगी जमात में वो लोग सम्मिलित होकर आए थे, तो इन सब लोगों के विरुद्ध, कुल 30 सदस्यों के विरुद्ध थाना क्षेत्र फरह में IPC की 188 और 271 धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभी जो 30 के 30 सभी तबलीगी जमात के जो सदस्य हैं वो वर्तमान में क्वारंटीन सेंटर में हैं, तो क्वारंटीन सेंटर से ही जैसे ही इन्हें छोड़ा जाएगा उसके बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना फरह की पुलिस द्वारा किया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.